मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार से कीमे वाले नान। और कीमे वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो तैयार करनी चाहिए। दो कप मैदा ले लीजिएगा, मक्खन जो हमें लेना है दो चमचे लेने हैं, रूम टेम्परेचर पे रखिएगा। दो चमचे हमें मिल्क पाउडर लेना है, एक कप हमें नीम गरम दूध लेना है, एक चमचा हमें नमक लेना है, एक चमचा हमें चीनी लेनी है और एक चमचा हमें ईस्ट लेना है। चले तो हम अपनी डो तैयार करते हैं जी। तो सबसे पहले हम सूखा दूध डालेंगे सारा, ईस्ट, चीनी, नमक और सबसे लास्ट में हम डालेंगे, बल्कि पहले हम इसको एक दफा मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम बटर डालें तो एक ही जगह ना रह जाए कोई भी चीज। ठीक है, ये हमने किया मिक्स, बहुत अच्छी सी डो हमारी तैयार होगी। अब बटर डालना है, तो देखिए कितना सॉफ्ट हो रहा है ये, रूम टेम्परेचर पे आप रखेंगे तो ये सॉफ्ट होगा बिल्कुल जी। तो अब हमने बटर डाल दिया है और अब देखें आप बटर बिल्कुल सॉफ्ट है, इसको हाथ से पहले ही हम कर लेंगे बटर को अच्छे से मिक्स। जी तो आप देखें आठ मैदा और मक्खन जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, नीम गरम होना चाहिए दूध, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, नीम गरम दूध होना चाहिए और हम इसको अच्छे अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इससे ये होगा, हमें अंदाज़ा रहेगा कि हमारी डो जो है कितनी सॉफ्ट है। देखें डो को अच्छे से आपको मलना है इस तरह से। जी तो आप देखें हमारी कितनी जबरदस्त डो तैयार हो चुकी है, ये देखें क्या जबरदस्त हमारी डो तैयार हुई है। और ये पेड़ा हमारा देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसको इसमें रखना है सेट करके, और अगर आपके पास प्लास्टिक शीट है तो आप वो कर लें, अगर आपके पास प्लेट है सिंपल तो आप प्लेट इसके ऊपर ढक सकते हैं। इसको हम एक से डेढ़ घंटे के लिए रख देंगे। कीमा बनाने की जो रेसिपी है उसके लिए जो जो हमें चीजें चाहिए, कीमा चाहिए हमें आधा किलो, प्याज चाहिए हमें एक बड़ी प्याज चाहिए उसके स्लाइस कर लेंगे, हरा धनिया चाहिए हसब जरूरत क्योंकि ज्यादा हरा धनिया मुझे पसंद है और नान में भी बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है तो मैंने आधी गड्डी हरा धनिया ली है। उसके अलावा टमाटर की प्यूरी लेनी है आधा कप। मसालों में जो जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें दो चमचे, हसबे जायका नमक चाहिए एक चमचा, हमें काली मिर्चें चाहिए पीसी हुई दो चमचे, हमें गरम मसाला चाहिए। गरम मसाले का कीमे में बहुत ज़बरदस्त अरोमा सा बनता है, इसलिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। हरी मिर्चें हम लेंगे, दो हरी मिर्चें आप ले लीजिएगा, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं लेना तो आपकी मर्जी। उसके अलावा हमें साबुत धनिया जो है वो कूट के लेना है और साबुत जीरा भी हमें कूट के ही लेना है दो चमचे। दो चमचे हम धनिया के लेंगे, दो चमचे हम जीरे के लेंगे। चलें तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले पैन में हमें 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है, ऑयल गरम हो जाए अच्छे से जी। तो तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कीमा डालेंगे। कीमे को हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे, ऑयल हमने कम डाला है वरना जब हम इसकी फिलिंग करेंगे ज़्यादा ऑयल हुआ तो वो ठहरेगा नहीं। जी तो आप देखें 2 से 3 मिनट में कीमा जो है कलर चेंज हो चुका है कीमे का, अच्छे से भुनाई कर ली है हमने इसकी और बिल्कुल बारीक वाला नहीं है, ज़रा सा मोटा कीमा है। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने इसमें डालनी है प्याज, ये हमने डाल दी है प्याज, मेरा हरा धनिया इसी में रखा हुआ था तो इसलिए, वरना हरा धनिया अभी नहीं डालना हमें। टमाटर की प्यूरी, 2 टमाटर आप ले लीजिएगा बड़े तो उससे फिर 2 टमाटर की प्यूरी अच्छी तैयार हो जाएगी आधा कप, तो मिक्स कर लेंगे थोड़ा हम।
मसाले भी हम अभी शामिल करेंगे ताकि फ्लेवर आए अच्छा इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट, भुनाई इसकी अपनी ही हुई है, ये हम सारे मसाले शामिल कर रहे हैं। और अब हम करेंगे इसको मिक्स। ये हो गया हमारा कीमा मिक्स। और अब हमने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट इसको, ये मैंने कर दी फ्लेम मीडियम, और 5 मिनट हमें इसको कैप करके रखना है। जी तो आप देखें 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है अपने ही पानी में, 5 मिनट हमने ढक के इसको रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे पानी। जी तो ये 1 कप में पानी डाल रही हूँ। 1 कप पानी डालने के बाद मैंने इसको छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ताकि कीमा गल जाए। ये हमने डाल के और अब मैं इसको कैप कर दूंगी। जी तो आप देखें हमारा कीमा कितने अच्छे से पानी गायब हो चुका है कीमे का। अब हम इसमें हरा धनिया डाल लेंगे। ये हमने कर दिया है मिक्स ताकि हरा धनिया का कलर जो है वो इसी तरह से रहे फ्रेश फ्रेश का। मिनट इसको तेज आंच पे भून के और ठंडा करने रख देंगे हम इसे। खुली प्लेट में इसलिए रख रहे हैं ताकि ठंडा हो जाए। जी तो टाइम पूरा हो चुका है, देखिए कितनी जबरदस्त की मई दो तैयार हुई हुई है और खमीर हो चुकी है। ये देखें ये जबरदस्त तरीके से। चलें अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। जी तो थोड़ा सा मैदा डस करेंगे। ये पेड़ा है हमारा और अब उसके कटिंग कर लेंगे। इस तरह से पेड़े रेडी कर लेंगे। जी तो पेड़े की पहले हमने इस तरह से रोटी बना ली, अब हम इसको बेल लेंगे रोलिंग पिन से। जी तो अब मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ। ये हमने डाला कीमा इसके अंदर, अब हमें इसको इस तरह से उठाते रहना है। देखिए ये हो गया, इसको इस तरह से बना लेंगे। बेलना हमेशा इस साइड से है, हमें इस साइड से नहीं बेलना, हमेशा इस साइड से बेलना है। पहले हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। बहुत हल्के हाथ से हमें इसको बेलना है। देखेंगे जी तो ये देखिए ये अच्छे से बेल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सीधा करना है। ठीक है, ये करके हमें इसके साइड पे तरह से निशान लगाना है।
ताकि ये अच्छे से पक सके। कुछ लोग हाथ से निशान डालते हैं, कोई भी टूथपिक पिन जो भी हो आप उससे निशान डाल सकते हो इसमें। और ये देखो, ये हमने साइड इसके दबाने हैं इस तरह से कि वजन पड़े और ये एक लेयर सी आ जाए। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब हम इसको तेल लगाएंगे ऊपर से जी। तो अब देखें, मैं इसके फ्रंट पे ही पानी लगा रही हूँ। ये इस तरह से मैंने पानी लगाया। पानी लगाने के बाद इसके ऊपर हमें तिल स्प्रिंकल करने हैं। देखें इस तरह से ये तिल मैंने डाल दिया इस पर। ये पानी के साथ तिल जो है ये बैठ जाएंगे इसमें। देखें इस तरह से टैप कर देंगे हम। और अब हमें क्या करना है, सबसे मेन स्टेप इसका, इसको हमें एक हाथ से अपने उल्टे हाथ पर डालना है और पीछे इस तरह से रख के, और ये हमने लगाना है इस पर पानी। पानी अच्छे से आपने लगाना है इस पर, वरना ये चिपकेगा नहीं। और नॉन स्टिक पैन में नहीं हमें इसको करना, नॉर्मल में करना है। अब हम इसे डालेंगे तवे पे जी। तो अब हम इसको डाल रहे हैं तवे पे। ये चला गया तवे पे। और अब हमें इसके बबल्स आने का वेट करना है। जब इसके यहाँ बबल्स आने लगेंगे उस टाइम पे हमें इसको पलटना है जी। तो आप देखें इस पे, ये देखें बबल्स आने लगे हैं। अब हम इसको उल्टा करेंगे तब जी। तो अब आप देखें, मैंने इसको खड़ा कर दिया है इस तरह से। और अब हमें इसको स्टीम देनी है। चूल्हा मैंने खोल लिया है फुल। इस तरह से जब हम इसको खड़ा करके पकाएंगे तो इसके कॉर्नर्स बहुत अच्छे सिक जाएंगे। जी तो अब ये देखें, मैं सेंटर पार्ट्स का कर रही हूँ। इस तरह से इसको घुमाते रहना है, एक जगह नहीं रखना। जी तो आप देखें क्या जबरदस्त, बस ये हो गया रेडी जी। तो अब हमें इसको इससे हटाना है। ये जबरदस्त हमारा नान तैयार हो गया है, देखें आप। जी तो अब मैं इसके ऊपर असली घी लगा रही हूँ। ये देखें शाइनिंग इसी से आएगी इसके ऊपर। देखिए क्या जबरदस्त इसके ऊपर शाइनिंग आ रही है। चलो इसी तरह से हम बाकी नान तैयार कर लेते हैं। जी तो देखिए इसके ऊपर भी हम असली घी लगा रहे हैं, बटर, असली घी, आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। क्या ज़बरदस्त हमारा नान तैयार हुआ है, कीमा नान जी। तो देखें क्या ज़बरदस्त से हमारे कीमा नान तैयार हुए हैं। करती हूँ, आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े के मसालेदार बेसन पराठे। मसाले वाले बेसन के पराठे जो हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये जो बारिश का मौसम हो, और बहुत कम कराची में तो बारिश और अच्छा मौसम होता है, तो क्यों ना आज हमने सोचा कि पराठे एंजॉय किए जाएं बेसन के, वो भी। तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 2.5 कप मैंने लिए हैं बेसन लीजिएगा। अगर आप 2.5 कप ये ले रहे हैं बेसन, तो आप 4 कप आटा ले लीजिएगा। इन दो, ये दोनों हो गए एक साइड पे। अब हम आते हैं मसाले की तरफ। मसाले में जो जो हमें चीज़ें चाहिए, हरा धनिया, पुदीना एक मुट्ठी हमें चाहिए, मतलब एक प्याली ले लीजिएगा मिक्स। अनारदाने का 1 चमचा लेना है हमें, क्योंकि मसाले वाली बन रही है। कलौंजी हमें 1 चमचा लेना है। अजवाइन हमें 1 चमचा लेना है।
एक भर के हमें चमचा लाल मिर्चों का लेना है, हल्दी का एक चमचा लेना है, हसबे जायका नमक लेना है, दो चमचे मैंने सौंफ ली है, अभी मैं इसको दरदरा सा कूट लूंगी। उसके अलावा 1.5 चमचा हमें लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा आप। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए, प्याज की हमें 4 डलियाँ चाहिए क्योंकि इसमें प्याज का बहुत ही मज़े का जायका आता है। प्याज जो है काट के इसको नमक लगा के रख दिया है मैंने, इसको कम से कम भी 10 मिनट हो चुके हैं क्योंकि अगर हम ऐसे ही डालते हैं तो वो प्याज जो है वो इधर उधर से डिस्को करने लगती है। डिस्को करने से बेहतर है प्याज को नमक लगा के रखा जाता है इस रोटी के लिए, और फिर ये प्याज जो है वो नरम पड़ जाती है, मतलब ज़्यादा भी नरम मत पड़ने दीजिएगा। 10 मिनट में ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि मतलब आप जिस तरह इसको बिठाएंगे ये बैठ जाएगी, इसलिए हमने नमक लगा के रखा हुआ है। अब ये होगा ये रेडी। सौंफ मैंने दरदरी कूट ली है, और इसके साथ साथ सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, 1 चमचा मैंने साबुत धनिया लिया है, साबुत धनिया भी इसी के साथ मैंने मोटा मोटा दरदरा कूट लिया है। अब हम अपनी रोटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आटा मिक्स कर लूँगी अच्छे से, आटा और वो जी। तो आटा हो गया है अच्छे से मिक्स, और देखें बीच में मैंने इस तरह से गड्ढा बना लिया है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें प्याज शामिल करेंगे सारी, बहुत ही अच्छे से प्याज नरम हो गई है। अच्छा जी, हरी मिर्चें जो हैं ये मैं नहीं डाल रही, मैं स्किप कर रही हूँ, आपको मैंने दिखाने के लिए रखी थी, मैं नहीं डालूंगी हरी मिर्चें। लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद हरा धनिया पुदीना, अनारदाना, अजवाइन, कलौन की सॉरी वो थी, अब ये अजवाइन डल रही है, मसाले, नमक, हल्दी और लाल पीसी हुई मिर्चें। बड़े ही मज़े की मसालेदार रोटी तैयार होगी। और अब मैं इसको हरा धनिया, लहसुन, वो जो हमने सौंफ, और ये देखें ज़्यादा है ये, इसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इसमें, बहुत ही अच्छी मसालेदार रोटी बनेगी। अगर आप चाहें नमक, अगर आपको, मुझे जैसे नमक थोड़ा कम लग रहा है अपने घर के हिसाब से, नमक मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ, मुझे लाल मिर्ची भी कम लग रही हैं, मैं लाल मिर्ची भी थोड़ी सी और ऐड करूँगी क्योंकि मैं हरी मिर्ची स्किप कर रही हूँ। अगर आप डालें तो आप डाल लीजिएगा, बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आता है इसमें। लाल मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, बहुत मज़े का फ्लेवर आने वाला है। अब हम इसको भूनना स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़े की बनेगी रोटी। किस किस के घर में बनते हैं बेसन के पराठे, ये मौसम ही बेसन के पराठों का और इन सब चीज़ों का है। अच्छे से पहले आप हाथ से मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि फिर मसाला एक जगह रह जाता है, अगर पानी ही डाल लें आप तो फिर मसाला एक जगह रह जाता है। देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो गया हमारा सारा मसाला, कोई एक जगह नहीं रहा। कोई भी आप ड्राई चीज़ किया करें ना, पहले ड्राई चीज़ मिला लें फिर आप भूनने का काम किया करें। चलें अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना, ठीक है। ये मैंने डाला थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा करके मैं एक प्लेट में रखती रहूंगी साइड पे ताकि इसकी जो मिक्स होता है ये अच्छे से हो। देखें ये एक बॉल सा बन गया है, देखें इस तरह से, ये मैंने मसाले वाली जो प्लेट थी उसी में रख दिया है। अब ये दूसरा, हाँ
आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मिक्स करेंगे ताकि बहुत अच्छे से इसकी गुनाई हो। जी तो देखें अच्छे से ही मैंने अब ये आखिरी आखिरी का गून रही हूँ। और आपको पता है बेसनी रोटी के बहुत फ़वाद हैं। सबसे पहले तो ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है बेसनी रोटी। बेसनी रोटी तो आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें। जो शुगर पेशेंट होते हैं जिनके दांत ख़राब हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिनके ब्लड में हो शुगर, तो आप मतलब वो तो ऐसा कर लें कि रूटीन में शामिल कर लें अपनी। अगर वो एक प्याली आटा ले रहे हैं तो आधी प्याली उनको बेसन लेना चाहिए। इससे बहुत और इससे वेट भी कम होता है। शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, हेल्दी होती है। काफ़ी सारे शुगर पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, उनके लिए बहुत अच्छी साबित होती है ये। हमारी कमज़ोरी इससे दूर होती है बेसन की रोटी से। और आँखों के लिए बहुत अच्छी है, दांतों के लिए बहुत अच्छी है ये, वेट के लिए बहुत अच्छी है ये। मतलब अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। और ये मेरे दादा को बहुत पसंद थी बेसनी रोटी। और अभी मम्मा मुझे यही बता रही थी कि हम उनको आई कहते थे कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और अब तो वो खैर नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनको बहुत पसंद थी ये रोटी बहुत ज़्यादा। वो मम्मा कहती हैं उनको दोपहर में वो कहते थे कि ये वाली रोटी बनाओ। हर एक हफ्ते में दो दफ़ा हमारे यहाँ बनती थी ये रोटी पराठा, बहुत ही अच्छा सा। और देखें अब आप इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके गूंदा और इसको मैं एक साइड पे निकालती गई। ठीक है जी, तो आपने देखा कि ये मैंने एक तरफ में इसको रखती रही तो ये कितने अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके इसको मैंने गूंदा तो ये अच्छे से हो गया है। और अब देखिए इसमें चिकनाहट फील होने लगी होगी आपको। देखें कितनी चिकनाहट, और इसकी प्याज भी कोई बल्ले बल्ले नहीं कर रही, ना इधर से निकल रही है ना उधर से निकल रही है। इसमें एडजस्ट हो गई है जिस तरह से हमने प्याज को लिटाया है, जो स्टेप हमने इसको बताया है वही इसने फॉलो कर लिया है प्याज ने। ठीक है ये देखें, ये हो गया हमारा बेसन का आटा तैयार। और अब हम वेट करेंगे 15 से 20 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से अपना मतलब सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके पराठे बनाने शुरू करेंगे मज़ेदार। जी तो अब हम पेड़े स्टार्ट कर रहे हैं, 20 मिनट हो चुके हैं इसको, 15 से 20 मिनट। अब मैं इसके पेड़े काट रही हूँ तो आटे में डालते रहेंगे हम। जी तो पेड़े हो गए हैं हमारे तैयार, अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। जी तो बिस्मिल्लाह, और ये हमने स्टार्ट कर दिए। पराठों को हमेशा हल्के हाथ से बेला जाता है। और इसमें खुश्की किसी ऐसे बर्तन में लिया करें जो ज़रा खुला हो इन पराठों के लिए। देखें अभी थोड़ा सा इसमें हमें लगाना है। तवा एक साइड पे गरम करने लग दिया है मैंने। और जब हम इसको दूसरी दफ़ा ड्राई खुश्की में डाल लेंगे उसके बाद हम इसको पलटेंगे नहीं, ना ही तो हम इसको बार बार उठाएंगे, क्योंकि उठाने से पराठा जो है वो खिंच जाता है। और देखें प्याज कितने ज़बरदस्त तरीके से इसमें आ रही है, कोई इधर उधर से नहीं निकल रही, ना कोई वो डिस्को कर रही है, कुछ भी नहीं, मज़े की नरम नरम प्याज। अब मैं इसको तवे पे डालती हूँ। जी तो पराठा मैं डाल रही हूँ। ठीक है, पराठा डालते वक्त चूल्हा हल्का कर दिया था मैंने, अब मैं इसको तेज कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं हम बेसन के पराठे। जी तो अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ इसका साइड। देखिए कितना जबरदस्त सा साइड इसका डन हो गया है। आप घुमाते रहिएगा जब तक ये आगे से भी अच्छे से सिक ना जाए। इसकी ज़रूरत होती है देखने की,
कच्चा ना रह जाए इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं। और जब चित्तियाँ कहा जाता है, बड़े लोग चित्तियाँ कहते थे, हम जिसको कहते हैं इस तरह से बबल्स आ जाना, ये जो ब्राउन ब्राउन होते हैं, इससे पता चलता है कि हमारा बेसन अंदर से कुक हो रहा है। और ये देखें, ये फूलना शुरू हो गई है, अच्छे से ये फूलेगी। इस साइड से अभी तक नहीं हुई है ये, मैं इसको, ये देखें बैक साइड से भी होगा ये, जब इसमें ये चित्तियाँ पड़ जाएंगी, मीन्स ब्राउन ब्राउन शेड्स आ जाएगा, अच्छे से सिक जाएगी, इसके बाद मैं इसमें असली घी डालूंगी। आप इसको प्लेन घी, ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इसमें पड़ चुकी हैं चित्तियाँ। और अब मैं इसमें डाल दूँ घी, ज़बरदस्त तरीके से इसमें घी चला गया है। और अब आप देखिएगा इसका कलर कितना ज़बरदस्त आएगा। कॉर्नर्स पे फोकस, ठीक है, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है इसमें से। और ये देखें क्या ज़बरदस्त हमारा बेसन का पराठा तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। और बेसन जो होता है ना, बेसन काफ़ी घी पीता है, मतलब दाल का पराठा हुआ, बेसन का हुआ, ये तेल पीता है। पीछे से भी अच्छा, लेकिन मैं फिर भी देखें पीछे से भी बहुत ज़बरदस्त तरह से इसमें तेल चला गया और ये फूल रही है हल्के हल्के। अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी करना है तो आप इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख दीजिएगा, तो ये इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। इसी तरह से अब हम और पराठे डन कर लेते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमारे बेसन के मसाले वाले पराठे बिल्कुल तैयार हैं। और इसके साथ मैंने ये, हमने सैलेड तैयार किया है, इसमें प्याज, खीरा, गाजर और टमाटर है, बहुत ही मज़े का, दही, चटनी। इंशाल्लाह चटनी की रेसिपी मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूंगी। ये लहसुन मिर्च की चटनी और जो इसके लवाजमात होते हैं, आपको पता है बहुत ही शौक से खाई जाती है बेसन की चटनी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चुड़चुड़ नान। चुड़चुड़ नान बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इनके लिए जो जो मुझे चीज़ें चाहिए, ये 2 कप मैदा चाहिए हमें, 1.5 कप आटा लिया है मैंने, नॉर्मल आटा जो भी घर में आप यूज़ करते हैं वो डाल लीजिएगा। 2 चम्मच दही लेना है हमें, दही हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर पे दही चाहिए हमें। 2 आलू लिए हैं मैंने, उसको उबाल के पीस लिया है मैंने। 1 कप हमें चिकन चाहिए, 1 कप हमें प्याज चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए, 2 मैंने चॉप करके रख ली हैं, हरा धनिया चाहिए हमें, पुदीना चाहिए, हसबे जायका नमक चाहिए, पीसी हुई लाल मिर्चें चाहिए, पीसा हुआ भुना हुआ जीरा चाहिए हमें, 1 चम्मच पीसी हुई चीनी लेनी है, 1 चम्मच हमें बेकिंग सोडा लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी डो। जी तो सबसे पहले हमें आटा डालना है, आटे के बाद मैदा, मैदे के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, नमक के बाद बेकिंग सोडा, पीसी हुई चीनी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें डाल के पहले हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, ये देखें इस तरह से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है इसमें, तो अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे घी, घी के 2 चम्मच, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये देखें घी के 2 चम्मच मैंने इस तरह से डालने हैं, ये हो गए घी के 2 चम्मचे, वो भी मैं अच्छे से पहले मिला लूँगी।
घी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। जी तो अब देखें हस्बैंड ज़रूरत इसमें पानी डालना है, ये मैंने आधा कप डाला है अभी। पहले इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, अब मैं आधा कप और डालूंगी इसमें। दो ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। जी तो आप देख ले मैंने आटा मिक्स कर लिया है, गूंदा नहीं है। ये देखें मैं दो चमचे दही डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि बिना दही के नान बनता ही नहीं है। सही है, ये मैंने डाला। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, देखें इस तरह से। जी तो आप देख लें डो हमारी तैयार हो चुकी है, कितनी अच्छी डो तैयार हुई है। अब मैं इसको और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मैंने दही लास्ट में डाली है, वो लिक्विड ही हो गया था इसलिए मुझे और भूनना पड़ा उसको। आप जिस वक्त मैंने तेल डाला था उसी के साथ दही डाल के दो चमचे मिला लीजिएगा तो आपकी डो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। मैंने ये गून के रख ली है, अब मैं इसको रेस्ट पे रख ली हूँ। 10 से 15 मिनट ये रेस्ट पे जाएगी, इतने में हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। जी तो फिलिंग के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 1 कप आलू, 1 प्याज, 1 प्याली चिकन का रेशा, 0 पाउडर, लाल पीसी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना इस तरह से, हसबे जायका नमक। जी तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। जी तो आप देख लें हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं अपने आटे की तरफ। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा देखें फूल गया है, ये देखें अच्छा सा फूल गया है। अब हमें इसकी 2 पेड़े करके रोटी बेलनी है, या हम 1 पेड़े की भी बेल सकते हैं, लेकिन ये पेड़ा मेरा थोड़ा सा बड़ा है। देखें कितना अच्छा सा खमीर बना है इसका, ठीक है। इसको देखें, इसको मैंने बोल से निकालने के बाद इसको आधा आधा कर लिया है और इसको एक बार फिर हमें इस तरह से घूमना है, ठीक है। सो घूमने के बाद ये बन गया हमारा पेड़ा, बहुत ही बड़ा कोई पेड़ा बना है ये। इसको अब मुझे इसको बेलना है, पहले मैं हाथ की मदद से बेलूंगी इसको, ये देखो इस तरह से, फिर मैं इसको बेलन से बेलूंगी। आटा या मैदा ब्रश करते रहिएगा ताकि ये अच्छे से आपकी रोटी बढ़े। जी तो अब देखें मैंने इस तरह से रोटी बेली। अब हमें इसमें लगाना है घी। घी कंजूसी से मत लगाइएगा, अच्छा खासी घी लगता है इसमें। इस तरह से सब में पूरा घी इस पे लगाना है हमें। फोल्ड करना शुरू करेंगे यहाँ से, और फोल्ड हमें बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना, थोड़ा लूज लूज करना है। सही है, ये हमने कर लिया फोल्ड। इसको हम 2 से 3 दफा इस तरह करेंगे ताकि इसका जो कट है ये बैठ जाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये देखें इस तरह मैंने साइडों से इसको टैप करना है, और फिर ये देखें अब मैं इसके पेड़, इसमें से सिर्फ 3 निकलेंगे पेड़े, 1, 2, 3, ठीक है। इसमें से मैंने 3 पेड़े निकालने हैं, इन दोनों को आपस में मिलाना है। ये देखें इन दोनों को मैंने मिला लिया है, देखिए इन दोनों को मैंने, ये खुला हुआ था, इन दोनों को इस तरह से मिलाना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखें अंदर की तरफ इसको करना है, और फिर हमें इसका यूं पेड़ा बनाना है। ये देखें ये पूरा अंदर चला जाएगा, यूं हाथ की मदद से आपको यूं इस तरह से इसका पेड़ा बना लेना है।
देखिए मैंने आपको कहा था ना लूज होना चाहिए, देखें लूज इसलिए कहा था, ये देखें इसकी लेयर आना शुरू हो, सही है। ये आपने किया, इसको आपने इस तरह से करना है कि ये डीप शेप में हो जाए। ये देखें इस तरह से ये हो गया डीप शेप में हमारा, ठीक है। ये देख लें इसमें वो खोल सा हो चुका है। अब इसमें मुझे फिलिंग डालनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से मैंने इसमें फिलिंग रखनी है। फिलिंग डालने के बाद हमें इसको इस तरह से करना है, देखें ये बिल्कुल अंदर से चली गई फिलिंग। उसके बाद हमें ये उठाना है, इसको इस तरह से उठाते हुए हमें फिलिंग अंदर करनी है। देखें एक अंगूठे से मैं फिलिंग अंदर कर रही हूँ, देखते रहें आप। इस तरह से फिलिंग अंदर करनी है हमें, और ये हमारा पेड़ा बंद हो गया है, ठीक है। देखें ये हमारा पेड़ा हो गया है, सही है, पेड़ा बंद होने। अच्छा, अब जो हमें स्टेप करना है, जब हम इसको फैलाएंगे तो हम इसको इस तरह ही रखेंगे, जहाँ से हमने बंद किया है वही वाला साइड हम ऊपर रखेंगे, और ये जो पेड़े, अच्छा पेड़े वाला जो साइड है वो हम उल्टा रखेंगे, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से, मैं और पेड़े बना के रख लेती हूँ जी। तो आप देख लें तीनों पेड़े मैं बना के रख चुकी हूँ, अब मैं इन दोनों को उठा के रख रही हूँ जी। तो आप सबसे पहले तो आटा डस्ट कर लें थोड़ा सा, उसके बाद आपको इसको हाथ से बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है नान जो होता है, नान थोड़ा सा मोटा होता है, इसको आपको हाथ से बढ़ाना है इस तरह से। अगर हम बेलन से करेंगे तो हमारी जो फिलिंग है वो बाहर आ जाएगी साइटों से, तो इसलिए हमें बस इस तरह से इसको बढ़ाना है जीता मिस, बस इस तरह से इसको बढ़ाना है जी। तो आप देख लें इस तरह से मैंने सिर्फ हाथ की मदद से इसको बेल लिया है। अब क्या करना है, हमें इसको इस तरह से उठाना है, और इसके पीछे हमें अच्छी तरह से पानी लगाना है। ये देखें तो अच्छी तरह से पकड़ के आप पानी लगा लीजिएगा, ये देखिए कितने अच्छे से पानी लग रहा है इसमें जी। तो ये लगा लिया हमने पानी, अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ जी। तो आपने जिस हिस्से पे पानी लगाया था उसको आपने इस तरह से डालना है, बस इस पे आपने डाल दिया। अब आपको इसका चूल्हा हल्का करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, ज़्यादा तेज़ आपने इसलिए नहीं रखना वरना ये अच्छे से फूलेगा नहीं और ये अच्छे से पकेगा नहीं, क्योंकि नान थोड़ा सा मोटा होता है। अब हम इसको रेड होने तक इसका पीछे से वेट करेंगे जी। तो आप देखें मैं अब इसको पलटूंगी किस तरह से, जो लड़कियाँ नहीं कर सकती, देखें जो लड़कियां नहीं कर सकती उनके लिए बहुत इजी तरीका है। इसको मैंने इस तरह से लेना है, इसमें मैंने क्या डाला है, हरा धनिया और घी डाला है। आप हरा धनिया ऊपर से भी डाल सकते हैं, ये मैंने डाला और फिर मैंने इसको पलटना है। देखें देखिए कितना अच्छा बना है ये, अब ये आगे से फूलेगा। तो बस आप इस तरह से हिलाइएगा, ठीक है। ये देखें कितना सिंपल तरीका है नान बनाने का। नान पैन नहीं है आपके पास, आप डायरेक्ट इसको फ्राई पैन में बना सकते हैं, लेकिन चूल्हा बिल्कुल स्लो पे ही रखिएगा, जो मीडियम आंच होती है ना वो ही रखिएगा आप, क्योंकि फिर ये अच्छे से अंदर, अब देखें कितना अच्छा पीछे से ये कुक हुआ है। अभी ये थोड़ा आगे से हो जाए जी। तो देखें अब मैं इसकी कॉर्नर, ये देखें आगे से भी कितना अच्छा ये हो गया है। अब मैं इसकी कॉर्नर कॉर्नर हमें देखें इस तरह से पकाने, ये देखें ये इस तरह से हमें इसके कॉर्नर्स पकाने हैं। घुमाते रहिएगा, एक जगह मत रखिएगा। ये हमने हाफ के पका लिए, अब हम हाफ के पकाएंगे। जिस तरह बिल्कुल बाजारी नान बनता है ये बिल्कुल उसी तरह से बनेगा, बस आप थोड़ा एहतियात रखिएगा, नाप तोल बिल्कुल सही रखिएगा। कॉर्नर आप देख लें कितने अच्छे हुए हैं इसके जी। तो ये देखें ये हमारा चुड़चुड़ नान बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से मैं दूसरा बना लेती हूँ जी। तो आप देखें अब मैं इसके बटर हो, घी हो, कुछ भी हो, आपको फिर इसके ऊपर कॉर्नर आप देख लें कितने अच्छे हुए हैं इसके जी। तो ये देखें ये हमारा
चुड़चुड़ नान बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से मैं दूसरा बना लेती हूँ जी। तो आप देखें, अब मैं इसके बटर हो, घी हो, कुछ भी हो, आपको फिर इसके ऊपर इस तरह से लगाना है। देखें सारे कॉर्नर्स पे इसके अच्छे से आपको लगाना है जी। तो अब ये हमारा तैयार है चुड़चुड़ नान, ठीक है। इसी तरह से अब मैं दूसरा बना लेती हूँ जी। तो आप देख लें, इस तरह से हमें इसको उल्टा करके सेकना है और ये बहुत अच्छा सिकेगा, लेकिन ख्याल से जी। तो आप देख लें, हमारा नान तैयार हो चुका है जी। तो देखें, अब मैं इसके किनारे सेक रही हूँ अच्छे से, इसको घुमाते रहना है आपने। ये वाला मैंने आपको इजी तरीके से करके बताया, और ये वाला जिस तरह से नान होता है उस तरह से करके बताया है। अगर आपको नहीं आता तो आप जिस तरह मैंने आपको पहले बताया इजी तरीके से आप कर सकते हो। देखो, अब मैं इस वाले नान पे कर रही हूँ। जी तो ये हमारा चुड़चुड़ नान बिल्कुल तैयार है। और चुड़चुड़ नान का मतलब क्या है? चुड़चुड़ नान के लिए, चुड़चुड़ नान मतलब हमें इसको इस तरह से करना है। ये देखें, ये हमारा तैयार है चुड़चुड़ नान। सारी लेयर्स हमारी ऊपर आ गई हैं, ये देखें। इसको मैं पहले से करके रख चुकी हूँ। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लेयर्स ऊपर आई हैं। और जो ये वाला है, इसको भी आपने इसी तरह से करना है। ये वाला थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ये देखें, इसको भी आपने इसी तरह से तोड़ना है। देखें, इसकी भी सारी लेयर्स आ गई हैं ऊपर, ठीक है। इनके साथ मैं सर्व कर रही हूँ दही का रायता। ये देखें, जीरे वाली दही सर्व कर रही हूँ मैं इसके साथ। बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़े का। और आप देख लें, ये इजी तरीके से बनाया है, और ये प्योर नान की तरीके से बनाया है। जिस तरह आपको इजी लगे आप इसको बना सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शेयर करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाइनएप्पल कचौरी। बहुत मज़े की बनती है, देखने में बहुत अच्छी होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। डो के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप 1 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच तेल चाहिए हमें, और हसबे ज़रूरत पानी से हम इसको गून लेंगे सब डो को। नमक हसबे जायका डालना है। आलू मैंने 1 प्याली लिया है, उसको उबाल के मैंने पीस लिया है। आधी प्याली मैंने चेटर चीज़ ली है। चिकन के मैंने रेशे कर लिए हैं। रेशे करने के बाद मैंने 3 बड़े चमचे लिए हैं रेशे हुए कीवी चिकन के। 2 पाइनएप्पल के स्लाइस लिए हैं मैंने, उनको छोटा छोटा काट लिया है। अभी मैं और छोटा इसको कर लूँगी। 1 चमचा मैंने हरा धनिया लिया है। 1 मिर्च ली है मैंने, नॉर्मल मिर्च, मोटी वाली जो होती है उसको मैंने काट लिया है बीज निकाल के। मसालों में जो जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 चमचा हमें चाहिए जीरे का पाउडर, हसबे जायका नमक, 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 चमचा धनिया पाउडर चाहिए, हरी मिर्च का पेस्ट चाहिए 1 चमचा, क्योंकि स्पाइसी बनेगी और मीठा और खट्टा दोनों का टेस्ट आएगा इसमें। और हमें 1/2 चमचा खटाई लेनी है। अब मैं करती हूँ डो स्टार्ट जी। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदे में मुझे 1 चमचा नमक डालना है। नमक डालने के बाद मुझे अजवाइन डालनी है। 1/2 चमचा अजवाइन डालूंगी, कभी ज़्यादा हो जाए अजवाइन। 2 चमचा मुझे तेल के लेने हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब पहले मैं तेल को अच्छे से मिलाऊंगी, फिर मैं हसबे ज़रूरत पानी लेके हाथ धो लिए हैं अच्छे से। तेल का और आटे का मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, डो बहुत अच्छी बनती है इससे। अगर आप डायरेक्ट तेल डाल के पानी से गूंद लेंगे तो वो डो नहीं, मज़ा नहीं आएगा, ना ही तो डो ठहरेगी। ये देखें हमारा ये तेल जो है वो अच्छे से हो गया है। अब मैं पानी डाल ली हूँ। पानी हद में ज़रूरत लेना है हमें, क्योंकि हमें सब डो चाहिए। मैं 2 डो तैयार करके रखती हूँ जी। तो आप ये देखिए, पेड़ा मैंने रेडी कर दिया है, और ये कितना सख्त है ये देखें, ठीक है, ये इतना सख्त होना चाहिए। अब हम करते हैं फिलिंग स्टार्ट जी। तो पहले मैं आलू डाल रही हूँ इसमें। आलू डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़ डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन, बल्कि पाइनएप्पल डाल देती हूँ। फिर मैं डालूँगी चिकन इसमें, देखें इस तरह से। फिर हरा धनिया, हरी मिर्चें, सारे मसाले जाएंगे, ज़ीरा,
मिर्च, नमक, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, हरी मिर्चों का पेस्ट और खटाई। अब इसको अच्छे से हमें मिलाना है। इसमें पाइनएप्पल का फ्लेवर आएगा और ये बहुत अच्छा बनेगा। चीज़ जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। ये मिल चुका है अब जी। तो देख लें कि मैं पेड़े बना के रख चुकी हूँ। 4 हमें बड़े पेड़े चाहिए, 3 हमें बिल्कुल छोटे वाले चाहिए। ये देखें, 3 मैंने छोटे बनाए और 4 बड़े बनाए। अब मैं करती हूँ रोटी स्टार्ट जी। तो आप देख लें, ये मैंने 3 रोटियाँ बेल के रख ली हैं। ये वाली कितनी पतली बनाई है, जो छोटे पेड़े थे उसमें से एक ये मैंने बिल्कुल पतली सी बनाई है। ये देखें, ये मैंने बना के साइड पर रख लूँगी। इसको भी साइड पर रख लूँगी। और ये देखें, छोटे 3 पेड़ों में से एक पेड़े की मैंने इस तरीके से बनाई है। इसके हम लीव्स बनाएंगे। ये भी साइड पर रख रही हूँ अभी। ये वाला जो है हमारा, ये देखें, थोड़ा सा मोटा मैंने बनाया है। ठीक है, अब हम इससे चकोर हिस्सा इसका निकालेंगे। सबसे पहले तो ये देखें, इस तरह से इसका हमें बिल्कुल चकोर सा पार्ट निकालना है। उसके बाद हम इसकी 9 स्टिक्स निकालनी है। स्टिक्स हमें ज़्यादा मोटी नहीं लेनी, हमें पतली स्टिक्स निकालनी है इसकी। मैं आपको इस तरह से लेकर निकाल के बताती हूँ। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्स्ट्रा पार्ट हम साइड पे कर देंगे इसका। ये देखें, इस तरह से। ठीक है, ये 9 स्टिक्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से पे लगाएंगे पानी जी। तो अब मैं इसकी देखें, इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है, इस तरह से इस पर पानी लगाना है मुझे। 9 की 9 पे मुझे पानी लगाना है, हल्का हल्का सा जी। तो ये मैंने देखिए पानी लगा लिया है। पानी लगाने के बाद हमें इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, इस तरह, ये देखें, ये उठा के हमें इसके ऊपर रखनी है। ठीक है, फिर ये वाली भी हमें इसके ऊपर रखनी है। मतलब इस तरह से हम ऊपर ऊपर रखते जाएंगे इसके। देखें, ये वाली भी इसके ऊपर आएगी। ये वाली, अब ये वाली हमने रखनी, ये वाली हम इसके ऊपर, मैं आपको इस तरह रख के दिखाती हूँ। देखें, इस तरह से ऊपर रखनी और फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से हो गई ज्वाइंट बिल्कुल ऊपर से। बस ये हो गई है ज्वाइंट। अब हम इसकी बनाएंगे चटाई। ये देखिए, ये आराम से उठ जाएगी। सही है, उठने के बाद हम इसको करेंगे सेट। इसको अच्छा से खोल के हम रखेंगे जी। तो अब देख लीजिए, मैंने इस तरह से इसको खोल के रख लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखें, ये वाला जो पार्ट है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस तरह से, ये वाला इसके ऊपर। ये देखें, ये वाला इसके ऊपर रखना है हमें इस तरह से। ये वाला इसके ऊपर, ये वाला रह गया अकेला बेचारा। अब हम इसको इस तरह से जी। तो देखें, ये हो चुका है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये इसके ऊपर इस तरह से लेके आनी है। ठीक है, ये वाली इसके ऊपर लानी है। इसका जो सेकंड वाला है, ये इसके ऊपर लेके आना है। ये वाली इसके ऊपर लेके आनी है। फिर हम यहाँ से शुरू कर देंगे। ये यहाँ से इसके ऊपर आएगा। देखें, ये इसके ऊपर इस तरह आई। ये वाली इसके ऊपर आनी है। ये वाली, मतलब एक तरह से हमें चटाई बनानी है और हमें फोकस ये रखना है कि पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आएँ। ये देखें, ये वाली यहाँ। और ये देखिए, कॉर्नर की जो शेप है वो देते हुए चलिएगा, वरना मसला हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर हमें स्टार्ट करनी है। ये इसके ऊपर आएगी। ये वाली इसके ऊपर से आ जाएगा। ये देखें, कितनी अच्छी चटाई बन रही है। ये इसके ऊपर से आ जाएगा। ये वाली यहाँ इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ से इसके ऊपर आएगा। ये वाली जो ये इसके ऊपर आएगी। आप ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि इस तरह से ऊपर नीचे हों। बस अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये इस तरह से इसके, ये देखें कॉर्नर की शेप कितनी लेयर्स वाली आ गई। ये न्यू इस तरह नीचे आएगा। ये इसके नीचे आएगा। ये वाली जो शेप है वो, ये देखिए कितनी अच्छी सी शेप बैठी है। अब हम यहाँ से वापस हम आ गए हैं। तो ये देखिए, कॉर्नर वाली हमें यूँ लेनी है नीचे। ये इसके ऊपर आएगी इस तरह से। फिर ये नीचे आएगी। ये वाली ऊपर आएगी। देखिए, हमारी जो स्टिक्स हैं यहाँ एंड हो रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ करना क्या है हमें। पहले तो हमें ये बिल्कुल नीचे तक लेके जानी है। ये शेप आएगी इसके ऊपर, आएगी इस तरह से। थोड़ा ट्विस्ट दे लीजिएगा। ये देखिए, ये शेप की वजह से
अच्छा ये हमारी हो गई रेडी, ये वाली जी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है नाइफ। ये देखो ये हो गई बिल्कुल रेडी। अब हमें ये करना है, अब हम लेंगे छुरी, छुरी की मदद से हम इसको देंगे शेप। शेप हमें किस तरह से लेनी है, शेप हमें देखें इस तरह से लेनी है। ये हमने यहाँ एंड हो गई हमारी, इस तरह से ये क्रॉस कर देंगे हम यहाँ, ये देखें यहाँ हम इस तरह से कर देंगे, और ये जो बीच का है ना इसको हम काट देंगे। ये देखें ये हमारी बन गई शेप गोल, ठीक है। ये देखें इसको हमने प्रेस कर दिया यहाँ से, बस छेड़ना नहीं है, बस इसको प्रेस करके और हम छोड़ देंगे। देख लें आप कितनी अच्छी इसकी शेप बनी है, ठीक है। इस तरह से देखें ये जो है ना, ये हम थोड़ा सा इसको अंदर कर देंगे, ठीक है। ये हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसका आपको बताती हूँ इसके आगे हमें क्या करना है। वो जो हमने रोटियाँ बेल के रखी हुई हैं जी, तो देखें ये वाली भी मैंने यहाँ रखी है। देखें ये थोड़ी बना के मैंने इसलिए रखी थी कि थोड़ी सी कड़क हो जाएगी, ये कड़क हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर ये लीव्स बनाने हैं। लीव्स के लिए हमें ये चाहिए, यहाँ से देखें ये चीज़ जो है इसकी पतली आ रही है, और यहाँ से थोड़ा मैंने फैला लिया है। फैलाया किस तरह, मैं आपको बताती हूँ, मैं इस तरह से आपको करके बताती हूँ, मेरा हाथ इस तरह पड़ेगा। ये देखें इस तरह से मुझे इसके लीव्स निकालने हैं, ये कटिंग, ये देखें इस तरह से मुझे इसकी करनी कटिंग, ठीक है। कटिंग करने के बाद थोड़ी सी अब मुझे क्या करना है, देखें इस तरह इसकी शेप बनानी है। इस तरह से मुझे इसकी शेप बनानी है सबकी, ये बन गई इसकी शेप। हम बनाऊंगी मैं डिज़ाइन, डिज़ाइन के लिए ये देखें ये रखा मैंने इसके ऊपर, मैंने छुरी की मदद से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप फ्राई करेंगे ना तो ये डिज़ाइन वाजे होगा आपका, ठीक है। इस तरह से वाजे होगा आपका डिज़ाइन। पहले आपने इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं, देखिए मैंने लंबा में निशान लगाए हैं, उसके बाद मैं इसको लीव्स की शेप में डिज़ाइन दूंगी। इस तरह से देने हैं, और यहाँ इस जगह हमें लगाना है थोड़ा पानी। ये देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ, ये मैंने पानी लगाया इसके ऊपर, इस जगह पे पानी लगाना है, ठीक है। ये मैंने पानी लगा लिया है, पानी लगाने के बाद मुझे इसको उठाना है और इसके ऊपर फिक्स करना है। ये देखिएगा ये मैंने इसके ऊपर कर लिया फिक्स, अब मुझे शेप देनी है, देखिए इस तरह से। इसकी शेप देनी है। शेप देने के बाद ये जो मैंने जो भी पानी से चिपकाया है ना, जरूरी ये है कि हमें इस जगह की भी शेप देनी है, वरना अलग से लगेगा कि आपने उठा के रखा है या यहाँ ज्वाइंट हुआ है, इसलिए देखें इस तरह से मैंने इसकी शेप देनी है। आप कट लगा लो, कुछ भी कर लो, बस ऐसा हो जाए कि इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। अब जब ये फ्राई होगा ना तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई होगा। अब मुझे सेकंड क्या करना है, अब पहले तो मैं इसको उठाती हूँ, उठाने में थोड़ा मसला होगा, ध्यान से उठाइएगा। फिर देखिए ये इस तरह से इसकी शेप बनेगी। मैं इसको साइड पर रख रही हूँ अभी, ये मैंने इसको रखा साइड पर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रोटी उठानी है, देखें जो मैंने एक बेल के रखी हुई थी आपके सामने जी। तो ये देखिए ये मैंने मोटी वाली रोटी ली, उससे पहले एक मिनट रुकना है, मैं आपको पतली वाली दिखा दूँ रोटी। ये देखिए ये वाली जो रोटी है पतली वाली, इसको मैं सेंटर से इसकी कटिंग कर लूँगी। ये दो बन गई हैं, मैंने उसमें से एक ले ली है, ये मैं साइड पर रखनी हूँ फिलहाल। तो चल वापस हम आते हैं इसके ऊपर। ये करके मुझे ये जो फिलिंग जो है हमारी, इतनी यमी सी पाइन एप्पल वाली जो फिलिंग है हमारी, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, और ज़्यादा ओवरलोडेड मत कीजिएगा प्लीज़ इसको। ये देखिए तरह से मैंने इसको फैलाया जी। तो मैं ये जो मैंने जो अभी आपके सामने जो भी मैंने रोटी कटिंग करी थी ना, उसका मुझे पार्ट लेना है, मैंने उसका चकोर पार्ट निकाल दिया इस तरह से, ठीक है। ये मैंने उसका चकोर पार्ट निकाल लिया है, चकोर पार्ट निकाल के मैं इसके ऊपर इसको लगा दूंगी, ठीक है। पानी की मदद से मैं इसको प्रेस कर दूंगी कॉर्नर इसके, ताकि ये निकले नहीं, ठीक है। ये मैंने कर दी फिक्स, और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये पानी एप्पल। ये देखें जब ये इसके ऊपर जाएगा ना, तो हमें इसको इस तरह से फैलाना है। ये देखिए ये इस तरह से फैलेगा, ठीक है। और फिर हम इसके कॉर्नर्स प्रेस करेंगे जी। तो आप देखें ये मैंने इसको इस तरह से कॉर्नर्स पे पानी, उंगली में पानी ले लीजिएगा आप, और इस तरह से इसको इसके कॉर्नर्स प्रेस करिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल चिपक जाएगा जी। तो ये बिल्कुल चिपक गया है, प्रेस हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी करनी है कटिंग। जो हमारी पाइनएप्पल की शेप है ना, हमें उसी शेप पर कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से इस कॉर्नर की कटिंग का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसकी शेप बनी हुई है ना, जो लेयर्स की वही आप ले लीजिएगा, ना लें तो कोई मसला भी नहीं है, बस ये थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। ये देखिए स्टार्ट की शेप का बहुत ख्याल रखना है आपने, अच्छे से इसको लेना है। ये देखिए नोक से आप लेते हुए चलेंगे ना, बिल्कुल ठीक शेप आएगी। फिर आप इस तरह से इसको
कॉर्नर्स को पीसना है, मतलब मारना है इससे, ताकि ये अपनी दोनों शेप एक जैसी हो जाए। अब हम करते हैं लीव्स की शेप स्टार्ट। देखें, लीव्स के नीचे मैं पानी लगा चुकी हूँ, लीव्स जो है वो डो पे बिल्कुल सेट हो गए हैं। ठीक है, लीव सेट होने के बाद मैं इसकी करूँगी कटिंग। जी तो देखें, मैं इस तरह से इसकी कटिंग ध्यान से करिएगा लीव्स की। ये देखें, थोड़ा ख्याल से कीजिएगा। देखिए निकाली मैंने। खींचिएगा नहीं आटे को। ठीक है, इसका हम बना लेंगे एक और पेड़ा बोन पेस्ट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे का जो हमारा ये है, इस पर हमें इस तरह से इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, एक दफ़ा हम डिज़ाइन को वापस करेंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से मैंने इसको एक कर लेना है। ये हमारा आ गया डिज़ाइन लीव्स का। बस आप एक निशानी लगा लेना, वो भी ठीक है, मतलब शेप तो आएगी ना उसकी। ये देखें इस तरह से। जी तो हमारा पाइनएप्पल कचौरी रेडी है। अब हम इसको करेंगे फ्राई। आप बेक भी कर सकते हैं इसको, आप फ्राई भी कर सकते हैं इसको। इस वक्त मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और बेकिंग टाइम इसका 10 to 15 मिनट्स। जी तो आप देख लें, मैंने कढ़ाई में तेल नहीं डाला, फ्राई पैन में तेल डालना है हमें इसके लिए। ये इस तरह से देखिए, ये इस तरह से हल्की आंच पे पकेगा ताकि इसकी डो अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है जी, तो आप ये देख लें हमारा कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। जी तो आप देख लें, ये हमारी पाइनएप्पल कचौरी बिल्कुल रेडी है और बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ बनाने जा रहे हैं मिक्स दाल के पराठे। ये मैंने कल दाल बनाई थी तो वेस्ट तो नहीं करनी चाहिए कोई चीज़, तो आज हमने सोचा क्यों ना इसके पराठे बना के बताए जाएँ आप लोगों को। अच्छा जी, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है 2 कप आटा, 1.5 कप मैदा, मसाले जो हैं, लोग कहते हैं बादी हो जाती है दाल, तो उन सब चीज़ों के लिए ये है अजवाइन, अजवाइन, कलौंजी, काली मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, रेड चिल्ली जो होती है वो, नमक और पुदीना। अब हम इन सबको एक थाल में आटा गूंदने, जिस तरीके से आटा गूंदते उस तरीके से दाल को आटे में मिक्स करके गूंदेंगे। चले आए, अब हम आटा गूंदते हैं दाल का। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं वापस। अब हम ये जो हमारा आटा है, 2 कप बताया मैंने आपको, ये 2 कप आटा लिया हमने। आटा हमेशा थाल में गूंदा जाता है। ठीक है, ये हमने लिया 2 कप आटा, 1.5 कप मैदा, जी अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मसाले, जिसमें से मैंने 1 चमचा भर के नमक, 1 चमचा भर के लाल मिर्च, 1.5 चमचा ज़ीरा पाउडर, 1 चमचा काली मिर्च, पुदीने के पत्ते क्रश करके, 1 चमचा कलौंजी, और ये जो अजवाइन है ये 1.5 चमचा लिए। लोग कहते हैं दाल बादी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे से उसको करें तो वो बादी नहीं होती। अच्छा जी, हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम इसमें 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे भर के, ताकि जो बादीपन होता है वो मर जाए। ठीक है, कोई वो नहीं होता। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, हाथ धुले हुए हैं अच्छे से, अपने हाथ साफ़ करके, और ये सबसे पहले हम इन मसालों को मिलाएंगे इसमें अच्छी तरह से। देख सकते हैं आप, मिलाने के बाद अदरक लहसुन को अच्छे से मिलाना है सारे मसालों को, कोनों कोनों से हम लोगों को। ये मिल गए हमारे मसाले। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दाल। ये देखें इस तरीके से करके अब हम इसमें डालेंगे दाल। ये आप देख सकते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये देख लीजिए आप,
अच्छे से हमने आटा गूंदा है इसका, ये देखें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी, ये जो है हमने आटा गूंद के जो रख दिया था, अब हम इसके पेड़े बनाए। ये आप देख सकते हैं मैंने पूरे आधे घंटे बाद निकाला है, ये आप देखें, ये देखिए आप आटा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये मैंने एक पेड़ा निकाल लिया है हल्की सी खुश्की लगा के, और मैं इसको बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। नॉर्मल लोग जो हैं वो जैसे हम रोटी के लिए सादा पेड़ा बनाते हैं वैसे भी बनाते हैं, लेकिन हम जैसे नॉर्मल हम पराठा बनाते हैं हम उस तरीके से ही करेंगे, ठीक है, ताकि हमें बाहर ज़्यादा घी लगाने की ज़रूरत ना पड़े, थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी आए। ठीक है, कुछ के अंदर लगाने का मकसद ये होता है ताकि उसकी जब हम लेयर्स तोड़ें तो उससे मज़ा आए हमें खाने में। देखें आप, इसको हम ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि दाल की रोटी टूट जाएगी, इसको सेका भी बड़ी आराम से जाता है। ये देखें आप, इस तरीके से दबाया और ये दो पेड़े जो हैं वो मैं आपके सामने बना के रखती हूँ, बाकी मैं ये आपने देख लिया, अब मैं बाकी सारे पेड़े बना के रख के फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, ये आप देख लें पेड़ा, ठीक है, ये बल वाला है और ये दूसरा भी हमने बल वाला ही बनाया है। इंशाल्लाह और पराठों की बताएंगे हम आपको कि हमने किया खुश्की में इसको। देख सकते हैं कि देखें कितने अच्छे से ये घूम रहा है पराठा, जो है दाल का वो थोड़ा सा मोटा ही होता है वरना वो नरम होके टूट जाता है। ठीक है, ये हम इस पर थोड़ा सा ये आटा डालेंगे क्योंकि ये चिपक जाता है घी अंदर, जाहिर सी बात है। क्रिस्पी करने के लिए जो है वो हम घी कम लगाएंगे और थोड़ा सेकने के बाद लगाएंगे ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो हमें नज़र आ सकें साफ साफ। ये देखें कॉर्नर से। अच्छा, अब हम इसको तवे पे डालने जा रहे हैं, अब हम इसको उठाने लगे। ये देखें आप, ये मैंने इसको डाला तवे पे, ठीक है, ये थोड़ा सा सिक जाए, फिर उसके बाद जो है मैं वो बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है दाल की रोटी को। ये देखिए आप, ये हल्की आंच जो है हमने, वैसे भी हल्की आंच है, अभी हम थोड़ी सी और हल्की आंच कर ली। ठीक, वो हम बाद में डालेंगे तेल ताकि पहले ये अच्छे से सिक जाए इसके लिए। ये देखिए आप, कॉर्नर जो है इसके पहले थोड़े थोड़े से सेक जाएं, फिर हम इसके बाद करेंगे जो भी करेंगे। चलिए अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। ये देखें, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा तेज़ करके और घी डालेंगे। ये देखें इस तरह से ये हम घी डाल जी, तो ये देखें आप, ये अब हम इसको ऐसे करेंगे और अब हम इसको पलटेंगे नहीं। ठीक है, अब हमने इसको नहीं पलटना,
ये देखिए, ये पहले हमें इस तरीके से थोड़ा इस तरीके से कर करके हमें इसको सेकना है, क्योंकि तेल डल गया है, ये नरम हो गया है, घी डल गया तो ये टूट जाएगा वरना। ये देखें नीचे से हो रहा है और हमें चाहिए थोड़ा क्रिस्पी हो। ये क्रिस्पी खाने में बड़ा मज़ा आता है, अलग से ही होता है वो चीज़, अलग से ही आती है। ठीक है, ये देखें ये अब टूटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने इसको बार बार पलट पलट नहीं किया। ये देखें फूल रहा है यहाँ से। चलो अब हम इसको पलटेंगे इस तरफ से, थोड़ा और हो जाए ब्राउन ब्राउन। चले अब हम इसको उल्टा करने लगे हैं। ये देखें आप, ये देखिए आप इसको देखें कितना इसका कलर कितना प्यारा आया है। देखिए यहाँ तक घी नहीं पहुँच पाया क्योंकि ये कॉर्नर से, मैंने आपको बताया था ना, फूल रहा था वो। ये देखें आप, हम अब नीचे थोड़ा घी डालेंगे क्योंकि ये पीता ज़्यादा है, मैंने अभी आपको बताया है, फिर बता रही हूँ। ये देखें आप, ये नीचे चला गया घी के सारा। ये देखें ना खूबसूरत लग रहा है। कोई चीज़ वेस्ट ना करें घर की, हर चीज़ में बचाने की कोशिश करें आप, दूसरों को भी खिलाएं। आजकल हालात आपके सामने हैं। देखिए कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते हम, बल्कि हर चीज़ स्टोर करके रखने की कोशिश किया करें। ये नहीं कि रोज़ ही कोई ताज़ा खाना चाहिए, रोज़ ही कुछ चाहिए, नहीं। अगर कल दाल पकी है तो आज उसकी कोई नई डिश भी बन सकती है। अब देखें कल हमारी दाल बनी थी, हमने वेस्ट तो नहीं किया कुछ। ये देखें आप पराठे का शेप देखें, कलर देखें आप, ठीक है। ये देखें, ठीक है, चलें। अच्छा जी, ये दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसकी गार्निशिंग की, किस तरह गार्निशिंग करनी है इसकी, वो दिखाऊंगी। गार्निशिंग बहुत अहमियत रखती है। चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है, अब चलते हैं गार्निशिंग की तरफ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है ये, ठीक है। और ये दो पराठे जो है मैंने जल्दी जल्दी सेक के और ये आपको दिखा दिए हैं। ये अचार है, ये चटनी पहले से बनी हुई रखी हुई थी। ये जो मैं आपसे रायता कह रही थी, ये वो वाला रायता है। मैं अगर स्पून हो तो मेरे पास, मैं आपको दिखा सकूँ कि इसमें कितनी वेजिटेबल्स हैं। ये आप देखें, ये देखें आप, इसमें खीरा, गाजर, प्याज सब है। लेकिन बस मेरी वीडियो डिलीट हो गई है तो इसलिए मैं दिखा ना सकी। ये चटनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और से हम भी खैरियत से हैं। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्याजी तवा नान, जो बहुत ही अच्छा बनता है। और कोई हमें ग्रिल नहीं करना, हमें बेक नहीं करना, मैं आपको चूल्हे पे बनाना सिखाऊंगी नॉन स्टिक पैन में। उसके लिए हमें सबसे पहले तो डो चाहिए। ये देखें, ये मैंने प्याज जो है डो के लिए मैंने 4 कप आटा निकाल के रखा है। हम मेरे पास पराठों वाला आटा था इसलिए मैंने ये रखा है। आप मैदा भी ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने 4 कप ले लिया आटा। ये है प्याज, 4 अदद प्याज है ये, इसको मैंने काट लिया लंबा लंबा। ग्रीन प्याज ली है मैंने, हरा धनिया, नमक और लाल मिर्चे, बस इतना इजी है बनाना। अब हम चलते हैं डो की तरफ। जी तो हम आ गए डो की तरफ। जी तो हम इसमें डाल रहे हैं नमक, 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। जी तो मैं इसमें डाली हूँ घी, 2 चमचे मैं इसमें घी डाली हूँ।
ये डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। मिलाना किस तरीके से हमें, देखिए इस तरीके से हम मिलाएंगे साइडों से लेंगे घी, ये देखिए इस तरह से, और हम इसको इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से हमें इसको मिलाना है। जी तो ये हमारा जो तेल डाला है मैंने वो अच्छे से हो गया इसके अंदर सॉल्व। ये देखिए इसको इस तरह से करना है, जितना तेल आप अच्छे से मिलाएंगे ना उतनी ही अच्छे से हमारी डो तैयार होगी। अच्छा जी तो अब इसमें इस तरह करेंगे बीच में सुराख और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। नॉर्मल पानी दिया है, ना गर्म है ना ठंडा है, नॉर्मल है रूम टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। ज़्यादा सख्त नहीं करनी, ज़्यादा नरम नहीं करनी, नॉर्मल होगी जो। तो हम इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। जी तो देख लें, मैंने दो तैयार इसको रखूँगी रेस्ट पे 10 मिनट का रेस्ट। जो कुछ भी आप बनाएं, कोई भी डो बनाएं, उसको 10 मिनट का रेस्ट लाजमी चाहिए होता है। 10 मिनट वो इसलिए रेस्ट लेती है ताकि वो अपनी जगह सेट कर सके, जो भी नमक पानी जो भी हमने उसमें मिलाया है वो एक अपनी जगह फ्लेवर एक अंदर हो जाता है उसके, वो अपनी एक जगह ले लेते हैं। अब मैं इसको गीले कपड़े से या जो भी आपके पास पेपर हो आप उससे कवर करके इसको रख सकते हैं। जी तो अब मैं चल रही हूँ अपनी प्याज की तरफ, चलते हैं। जो हमें नान प्याज के लिए जो प्याज चाहिए मैं आपको वो बताती हूँ। जी तो अब मैं डाल रही हूँ प्याज, ये देखिए वहाँ से मैंने प्याज डाली। लोग प्याज ऐसे ही डाल देते हैं चाहे वो कुछ भी बनाए, कोई भी रोटी बनाए, प्याज कभी भी इस तरह नहीं डाली जाती। प्याज में नमक डलता है, नमक लगा के प्याज को रखना पड़ता है। और अगर आप जैसे नान बना रहे हैं तो आपको हरी प्याज में भी नमक लगा के रखना पड़ेगा ताकि वो थोड़ी नरम पड़ जाए, हमारा जो पराठा है वो टूटे नहीं इस वजह से। हरा धनिया, नमक और लाल मिर्ची भी मैंने डाल दी है, ये देखें इस तरह से डाल के, और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी ताकि ये हमारी जो प्याज है बिल्कुल नरम हो जाए। देखिए लाल मिर्चों का कलर भी आना चाहिए इसमें। प्याज में नमक लग चुका है, अब प्याज नरम हो जाएगी। मैं इसको ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए ताकि थोड़ी नरम पड़ जाए। जी तो सबसे पहले मैं आटा डाल रही हूँ इसमें, अब मैं पेड़ा रखूँगी इस तरह से। इसको हल्के हल्के हमें बढ़ाना है, ये देखिए क्योंकि मोटा है पेड़ा। मैं आपको लच्छे वाले नहीं बनाना सिखा रही, देखिए इस तरह से मुझे करना है इसको। ये रोटी थोड़ी बड़ी करनी है। जी तो देख लें मैं रोटी इतनी बड़ी कर चुकी हूँ, गोल और बड़ी कर चुकी हूँ। अब आप प्याज देखें, प्याज बिल्कुल, प्याज का दाना तो मर चुका है, ये देखें इस तरह से प्याज हो गई है नरम। जी तो अब मैं डालनी हूँ सारी प्याज इसमें, देखें इस तरह से प्याज इसके ऊपर डाल के, बहुत मज़े का बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मुझे पूरा इसको फैलाना है। जी तो आप देख रहे हैं मैं अच्छे से इसको फैला चुकी हूँ प्याज को। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस तरह से जिसके कॉर्नर्स हैं इनको हल्का हल्का सा लेके इस तरह पेड़ा बनाना है, इसको गोल गोल करना है। ये तो इसी तरह से हमें पूरा बन करना है, ये देखिए इस तरह से। बेसिकली ये अरबिक नान होता है, ये देखिए इसको उठा के हमने अच्छे से इसको दबाना है, दबाना हमें उंगलियों से बिल्कुल नहीं है, इस
तरह से हमें इसको यूं करना है, तो ये खुद ही प्रेस हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद जो हमें करना है, हमें लेनी है एक छुरी, छुरी की मदद से हमें लगाने कट इसके ऊपर जी। तो ये देखिए मैं 5 निशान लगा चुकी हूँ इसके ऊपर, इस तरह से हमें रख के और इस तरह से करना है, ये इस तरह से। ये बहुत नरम नरम या बहुत मतलब पतले नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, देखें। और ये वाला भी हमें इसी तरह से काटना है। काटने के बाद जब हम इसको उठाएंगे, सबसे पहले हमें थोड़ा सा आटा फैलाना है, ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरह से हमारी लेयर जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, इसको हमने इस तरह दबाना है, ये दबा के हमने इसको घुमाया, ये हमारा पेड़ा बंद हो गया। और आगे से हमें इस तरह से करना है इसको। अब मैं इसको बना के रख रही हूँ 5ों को जी। तो पेड़े मैंने बना के रख लिए हैं, अब मुझे अच्छे से खुश्की डालनी है। और ये देखें इसको हमने, ये पतला नहीं होगा, इसको बेलना नहीं है हमने, इसको हमें हाथ की मदद से बढ़ाना है इस तरह से। देखें सिर्फ कॉर्नर्स जो हैं हमें इसके इस तरह से बढ़ाने हैं। आप देसी घी डाल सकती हैं, मक्खन से इसको कर सकती हैं, फ्राई नहीं होना है इसको, हमें शैलो फ्राई करना है, जिस तरह से नान बेक होते हैं हमें, क्योंकि इसको बेक नहीं करना। तो मैं क्योंकि आपको इसको पैन में बना के दिखा रही हूँ, वरना ये पैन में जाते हैं, भट्टी में जाके बनते हैं, और ये अरबिक नान होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसके साथ के लिए मैं आपको रायता बनाऊंगी इसके साथ के लिए खाने के लिए। ये देखें ये हमारा, ये देखें साइड से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना अच्छा है और कितना सॉफ्ट हो रहा है ये इस वक्त। बस ये हमारा हो गया तैयार जी। तो मैं पैन गरम हो चुका है हमारा, मैं इसमें बस 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, इसको अच्छे से फैलाना है। ये देख लें इसको मैंने फैला लिया, फैलाने के बाद इसमें मैं वो डालूंगी ना, नान हमें इस तरह से डालना है, ये देखें इस तरह से नान डालना है हमें, और फिर इसको सेट करना है। बस ये सेट करके हम इसको छोड़ देंगे ढक के थोड़ी देर, फिर हम इसको देखेंगे जी। तो मैंने इसको ढक दिया है, चलो जी। तो मैं इसको उठा रही हूँ, जैसा लग रहा है कि ये हो गया है, इसको हिला के मैं थोड़ा सा देख लूँ जी, देखिए हिल रहा है। अब मैं इसको पलट, पहले मैं इसके ऊपर ऑयल डालूंगी, क्योंकि मैं इसको बाद में नहीं पलट सकती। फिर ये देखें कितना मैंने इसमें ऑयल डाला है, और अब मैं इसको पलटूंगी। कलर देखें कितना प्यारा आया इसका, फिर इस तरह से घुमा लूँगी मैं हल्का सा। देखें मैं कोई इतना ज़्यादा ऑयल नहीं लग लगा, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से अनियन की जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है नीचे से हो गया, देखें आवाज़ आ रही है नीचे से, मैं पलट लिख के देखती हूँ। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इसका। चलें तो अब मैं इसको निकाली हूँ, सर्व कर रही हूँ इसको जी। तो आप देखें ये हमारी तवा प्याजी नान बिल्कुल तैयार हैं, और ये देखें मैं इस तरह आपको बताती हूँ, ये देखें कितनी क्रिस्पी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत मज़े के बने हैं। इसके साथ मैंने रायता बनाया है, रायता जो है मैंने मटर की चटनी का मैंने रायता बनाया है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।